हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टोल प्लाजा क्या है और ये क्यों बनाए जाते हैं। तो किसी भी सड़क का निर्माण करने के लिए एक बड़ी राशि का खर्चा होता है। उस खर्चे की भरपाई सरकार टोल टैक्स के द्वारा करती है और टोल टैक्स टोल प्लाजा के द्वारा वसूला जाता है। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि आज के समय टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बदलती जा रही है, जिसके चलते धीरे धीरे नए नए वाहनों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे हमारे देश के माल को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में आसानी हो सके, जिसके चलते धीरे धीरे सड़कों पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है, जिसका मुख्य कारण अपने बिजनेस के चलते व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए नियमित रूप से सड़कों पर आवाजाही बनी रहती है, जिससे कि समय के साथ ही साथ हमारी सड़कें भी खराब होती जा रही हैं। उनके मेंटेनेंस के लिए एक राशि की जरूरत होती है, जो टोल टैक्स के रूप में वसूली जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे टोल प्लाजा क्या है। व्हाट इज टोल प्लाजा? टोल प्लाजा एक सड़कों को टैक्स चुकाने का तरीका है, जिसके चलते यदि आप हाईवे पर बड़े बड़े वाहन ले जाते हो और अपने जिले से दूसरे जिले में एंटर करते हो, तो ऐसे में आपको सड़कों पर चलने का टैक्स चुकाना पड़ता है। चलो हम इसको आसान भाषा में समझते हैं। मान लो आप लुधियाना में रहते हो और आपको दिल्ली जाना है, तो ऐसे में आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, तो ऐसे में आपके रास्ते में एक टोल प्लाजा मिलेगा, जहां पर कुछ चार्ज देना होता है। ऐसे में आप बिना चार्ज दिए दूसरे स्टेट में एंटर नहीं कर सकते हो, जिसके चलते दो जिलों के बीच में एक टोल प्लाजा का निर्माण किया जाता है, जो कि आपसे दूसरे जिले से दूसरे जिले में एंटर करने पर लिया गया है, टोल प्लाजा कहलाता है। और टोल प्लाजा पर वसूल किया जाने वाला चार्ज टोल टैक्स कहलाता है। दोस्तों, अब हम आसान भाषा में समझेंगे कि टोल टैक्स क्या है, इसकी जरूरत क्यों है। बहुत से नए या पुराने रोड्स के रखरखाव के लिए जो पैसा लगता है, उसको इकट्ठा करने के लिए NHAI किसी प्राइवेट कंपनी को टोल इकट्ठा करने का ठेका दे देता है, जो NHAI के स्टैंडर्ड टोल टैक्स रूल्स के मुताबिक प्रत्येक व्हीकल से टैक्स लेते हैं। इसको टोल प्लाजा पर इकट्ठा करने को ही टोल टैक्स कहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि फोर व्हीलर या उससे ऊपर के वाहनों पर ही टोल टैक्स लगता है, बाइक ऑटो पर कोई टोल टैक्स नहीं लगता। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप सुनिए कुछ सवाल जवाब। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, दो टोल प्लाजा के बीच न्यूनतम दूरी क्या है? 60 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, कितने किलोमीटर तक के लोकल लोगों के लिए टोल प्लाजा पर टैक्स फ्री होता है? क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक टोल प्लाजा है? भारत में 1000 से अधिक टोल प्लाजा हैं, जिसमें से अधिकतर तमिलनाडु राज्य में है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए परफेक्ट कैप्चर बाय भानु।